नमस्कार बाल मित्र में आपका स्वागत है। आज हम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी पर सुंदर हिंदी शायरियाँ देखेंगे। यह शायरियाँ बहुत ही आसान और आकर्षक है। इन शायरियों का उपयोग कर आप अपना भाषण और निबंध अधिक आकर्षक बना सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहली शायरी है, हे ये सारा जहाज इनकी शरण में, हे ये सारा जहाज इनकी शरण में, हमारा है नमन उन बाबा के चरण में। हे पूजा के योग्य बाबा हम सबकी नज़र में, आप मिलकर फूल बरसाए बाबा के चरण में, आप मिलकर फूल बरसाए बाबा के चरण में। दूसरी शायरी है, नज़ारे देखे हमने हजारों, नज़ारे देखे हमने हजारों, देखा न कभी ऐसा नज़ारा, आसमां में दिखे सितारे बहुत, आसमां में देखे सितारे बहुत, पर भीम जैसा सितारा न देखा, पर भीम जैसा सितारा न देखा। तीसरी शायरी है, आज का दिन है बड़ा महान, आज का दिन है बड़ा महान, बनकर सूरज चमका एक इंसान, कर गए सबके भले का ऐसा काम, कर गए सबके भले का ऐसा काम, बना गए हमारे देश का संविधान, बना गए हमारे देश का संविधान। चौथी शायरी है, देश के लिए जिन्होंने विलास को ठुकराया था, गिरे हुए को जिन्होंने स्वाभिमान सिखाया था, जिसने हम सबको तूफानों से टकराना सिखाया था, देश का वो था अनमोल दीपक जो बाबा साहब कहलाया था, जो बाबा साहब कहलाया था। पांचवी शायरी है, कुरान कहता है मुसलमान बनो, कुरान कहता है मुसलमान बनो, बाइबल कहता है ईसाई बनो, भगवत गीता कहती है हिंदू बनो, लेकिन मेरे बाबा साहेब का संविधान कहता है मनुष्य बनो, लेकिन मेरे बाबा साहेब का संविधान कहता है मनुष्य बनो। छठी शायरी है, फूलों की कहानी बहारों ने लिखी, फूलों की कहानी बहारों ने लिखी, रातों की कहानी सितारों ने लिखी, हम नहीं है किसी के गुलाम, हम नहीं है किसी के गुलाम, क्योंकि हमारी जिंदगानी बाबा साहब जी ने लिखी, क्योंकि हमारी जिंदगानी बाबा साहब जी ने लिखी। सातवीं शायरी है, नींद अपनी खोकर जगाया हमको, नींद अपनी खोकर जगाया हमको, आंसू अपने गिराकर हंसाया हमको, कभी मत भूलना उस महान इंसान को, जमाना कहता है बाबा साहेब अम्बेडकर जिनको, जमाना कहता है बाबा साहेब अम्बेडकर जिनको। आठवीं शायरी है, भीमराव अम्बेडकर जी, भीमराव अम्बेडकर जी, बाबा साहेब तुम्हें प्रणाम, भारत की पावन गाथा में, भारत की पावन गाथा में, अमर तुम्हारा नाम, अमर तुम्हारा नाम। नौवीं शायरी है, खाली नाम के यहाँ पर कितने भगवान हो गए, खाली नाम के यहाँ पर कितने भगवान हो गए, लेकिन एक ही भीम के कर्म से आज हम इंसान बन गए, जिन्हें चलना संभलना याद न था, आज धूल से उठकर आसमान बन गए, आज धूल से उठकर आसमान बन गए। और आखिरी यानी दसवीं शायरी है, वीराने जमीन पार बाबा भीम जी ने, वीराने जमीन पर बाबा भीम जी ने ये गुलाबों का बाग फुला दिया, सदियों से पिछड़े भाई और बहनों को ये बुद्ध के द्वार मिला दिया, अरे इज्जत की रोटी तो क्या पीने को दो घूट पानी तक नहीं मिलता था, उन सब अछूतों को प्यारे भीमराज ने शेरनी का दूध पिला दिया, शेरनी का दूध पिला दिया। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको यह शायरियाँ अच्छी लगी हो तो मेरा चैनल बाल मित्र जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद।